यदि मन हमारा दोस्त बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। मन ही हमारा दोस्त नहीं, जब मन हमारा दोस्त नहीं इसके कारण बहुत सारी बीमारियां, जिसका माइंड उनको कंट्रोल करता है उसके कारण। देखिए आप देखो जितने भी जेल भरे पड़े हुए, कारण क्या है? माइंड ने कंट्रोल किया, ये अपराध कर दो, वो कर दो। टेलीविजन में देखा, अच्छा चोरी ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो देखा प्रोग्रामिंग हो गई और वो कर लिया। सास बहू का सीरियल आ रहा है, ठीक है, उनकी टीआरपी बढ़ रही है टेलीविजन रैंकिंग पॉइंट पर, हमारा यहाँ टीआरपी बढ़ रही है टेंशन रैंकिंग पॉइंट। टेक्निक सिखा रहे हैं वो कि कैसे लड़ना है, कैसे वो करना है, हम लोग देख रहे हैं वाह अब क्या होगा। आपको पता नहीं अब क्या होगा, वहां तो कुछ नहीं होगा, वो बाहर जाके गोलगप्पे खाएंगे, पर हमारी लाइफ में क्या होगा, क्योंकि हम वो अंदर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपनी, कहीं ना कहीं वो संस्कार अंदर जा रहे हैं और वो बाहर अपने आप आएंगे। प्रैक्टिकल है, जो भी सूचनाएं आप ग्रहण कर रहे हो वो बाहर आएगी। तो हमें अपना माइंड को अपना दोस्त बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पता है आपको आप सभी बहुत अच्छे हैं? बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत प्योर हूं, मैं बहुत शांत स्वरूप हूं। अब क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है? देखो अब आपको मैं आपको अपने आप आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसा करना, आप अलग हैं और आपके संस्कार अलग हैं, ठीक है। जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, उसके अंदर कोई भूत आ जाए, एक बंदा है उसके अंदर कोई भूत आ जाए तो वो बंदा बोलेगा भूत बोलेगा? तो कहते हैं ना, इसके अंदर कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया या आत्मा आ गई, तो वो आत्मा बोलेगी या वो बंदा बोलेगा? बोलो, बोलिए। वो बोलती है ना कि अरे ये खा लूंगी, ये कर दूंगी, मार दूंगी, वो ऐसे करके आती आत्मा, ठीक है। तो उस समय वो आत्मा का प्रकोप है और आत्मा बोल रही है उसके बॉडी के द्वारा, फिर उसको झाड़ा फूकी करते हैं और वो आत्मा निकल जाती है, राइट। ऐसा आपने सुना होगा। दिस इज द ब्लैक मैजिक। अब व्हाइट मैजिक क्या है? व्हाइट मैजिक, ठीक है, व्हाइट मैजिक में क्या करना है? मेडिटेशन, इट इज अ व्हाइट मैजिक। आपने ब्लैक मैजिक, कोई लोग तंत्र मंत्र विद्या द्वारा वो एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को फ्लो कर देते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक क्या है? मेडिटेशन के द्वारा हम अपने संस्कारों को, अपने अंदर के काम क्रोध मद लोभ अहंकार नेगेटिविटी हर्ट गिल्ट खुंदक नफरत नेगेटिव संस्कार लोनलीनेस, ये सारे भूत, ये भी भूत हैं, इनको बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं व्हाइट मैजिक। अब व्हाइट मैजिक क्या है, आप देखिए ऐसा करेंगे, बोलिए राइट हैंड से, बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे संस्कार थोड़े खराब है। बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, ये गुस्सा करने की आदत थोड़ा खराब है। बोले आप अच्छे हैं, संस्कार खराब, आप संस्कार नहीं है, राइट। आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या किया, यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की, मैंने यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की, मैं बिल्कुल प्योर वाइट ड्रेस में हूं। अब जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूं कुछ ना कुछ दाग दाग लगते जा रहे हैं और मैं इम्प्योर होते जा रहा हूं, और यहां पर जर्नी आई तो मैं इम्प्योर हो गया। तो जब मैंने अपनी सतयुग में परम धाम से जब मैं इस धरा पर आया तो बहुत प्योर सोल था, बहुत प्योर, एकदम प्योर। पर धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई द्वापर युग कलयुग, तो मेरी आत्मा में दाग लगते गए और मैं इम्प्योर हो गई। अब कुछ नहीं कर रहे हैं परमात्मा, सोचिए एक जार है जहां पर पहले प्योर वाटर था, धीरे धीरे काली नीली पीली पूरा वाटर पानी गंदा हो गया। अब परमात्मा क्या कर रहे हैं, अच्छे पानी का नल चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे वो सारा गंदा पानी निकल जाएगा। दिस इज द राजयोगा, समझ में आया आपको? दिस इज द राजयोगा, अच्छे पानी का नल चालू करना। जॉइन पावर ऑफ सकाश, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की powerful class और commentary सुनने के लिए। ओम शांति।